थैंक यू सो मच सर. आप देखना आपके स्टाफ को पीसीडी का खाना बहुत पसंद आएगा. जी हाँ, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी. ओके थैंक यू सर. अब कोई पानी का ग्लास देना भैया. फाइल कहाँ है यार, भैया ने रखी. मुझे नहीं लगता तुझे आज के दिन आराम करना चाहिए. अगर मैं घर पे रेस्ट करूंगी तो मीटिंग में कौन जाएगा. तुझे पता ही मिस्टर प्रधान इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट है. 200 टिफिन का ऑर्डर दिया है उन्होंने हमें. प्रॉफिट एकदम डबल होने वाला है. एक काम कर तू 10-12 सैंपल टिफिन ना मेरी गाड़ी में रखवा दे. मैं खुद टिफिन देने जाऊंगी. ठीक है. हालत देखिए अपनी. अरे कुछ नहीं हुआ है, मर नहीं रही हूँ मैं. चल जो बोला है वो कर. मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगे. कल रात को गुड नाइट बोलकर ऐसे फोन क्यों काट दिया था. क्योंकि रात को गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता. पुष्कर तू. हाँ यार मैं एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैंने सोचा भैया के फोन से कॉल कर लेता हूँ. तू बता कैसी है. सुना है आजकल बड़ी हॉट शॉट लगने की तैयारी हो रही है. खास शुकार है वाला. एक काम कर फोन अभी के अभी काट और किसी दूसरे नंबर से फोन कर. क्यों भाई, इस नंबर में क्या प्रॉब्लम है. जिसे मेरी परवाह नहीं है उसके नंबर से फोन क्यों कर रहा है तू. अरे नहीं यार, भैया ने ही मुझे कहा था तुझे फोन करके तेरा हालचाल पूछने के लिए. लेकिन तू भी ना हमेशा नेगेटिव बात है. तो सुमो की तबीयत खराब है और आपने अब तक उससे बात भी नहीं करी. हाँ सुन, ले आ गए भैया, तू उनसे बात कर. भैया आप लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो, बात करो. भैया कैसी हो. पुष्कर कह रहा था तुम्हें बुखार हो गया. हाँ वो थोड़ा सा बस. ओ सुमो सारे टिफिन तो रेडी हो गए. तुम काम पे हो. अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे रहना चाहिए था ना. एक दिन काम पे नहीं जाओगी तुम्हारा पीसीडी बंद ही हो जाएगा. मैंने सोचा कि मैं भी अपनी लाइफ और अपने काम पर थोड़े दिन फोकस करूं तुम्हारी तरह. सही कहा तुमने. आई एम सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो. बाय. प्रीति तो कह रही थी कि सुमो को पेन की वजह से बुखार भी हो गया. मैंने सोचा कि मैं भी अपनी लाइफ और अपने काम पर थोड़े दिन फोकस करूं तुम्हारी तरह. अजीब है, रेस्ट करने की जगह काम पे चली जाए. अब पता नहीं कि बुखार उतरा भी हो गया. हेलो अरोरा अंकल, सब ठीक. एक्चुअली मैं सुमो के बारे में पूछना चाहता था. सुमो? सुमन, उसके पैर में चोट लगी थी ना आज. भाई बड़ी झल्ली लड़की है वो. वैसे तो अपने आप को बहुत बहादुर बताती है लेकिन एक नंबर की डरपोक है वो. क्यों? अरे आई थी मेरे पास, मैंने उसको कहा कि इन्फेक्शन ना हो इसलिए एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो. बस इतना कहना था कि उसने पूरे क्लिनिक को सर पे उठा लिया. इतनी बड़ी हो गई लेकिन फिर इंजेक्शन से डरती है. तुम्हें तो याद ही होगा, वैसे आई भी अकेली थी ना बेचारी. वरना कोई साथ आया होता तो समझाता. वैसे मेडिसिन लेके गई है और मैंने उसको बोला कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो बुखार हो सकता है. लेकिन वो ये लड़की एक भी किसी की सुने तब ना
बेटा तुम्हारी बात हो तो समझा देना उसको, ठीक है? जी अंकल, थैंक यू, बाय। इंजेक्शन से डरती हो? नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बस तू अपनी आंखें बंद कर। डॉक्टर अरोरा प्लीज मुझे कड़वी से कड़वी दवाई पिला दीजिए, बस इंजेक्शन नहीं प्लीज। सुन तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू सुमो को काबू कर सके, सो प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगवाना है तो मत लगाओ, पर एक बात समझ लो, अगर तुमने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो तुम्हें बुखार आ जाएगा, बुखार हो गया तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगी, एग्जाम नहीं दे पाओगी तो ऑब्वियसली फेल हो जाओगी, और अगर फेल हो गए तो जिस ग्रुप की तुम बॉस बन के घूमती हो ना वो लोग तुमसे बात करना भी बंद कर देंगे, और फिर तुम होगी यहाँ और वो लोग होगे वहाँ। तू क्या बोल रहा है? हो गया हो गया। क्या हो गया? लग गया इंजेक्शन। श्रवण चश्मे तू गधे, तू गया आज मैं तुझे छोड़ूंगी। फोकस श्रवण फोकस। राकेश? यस सर। ऑल सेट फॉर द मीटिंग? यस सर। ओके सबको लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचो, मैं आ रहा हूं। श्रवण सर और मिस्टर बेरी के कल की मीटिंग की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं। इन ओल्ड लीज पेपर के हिसाब से यह प्रॉपर्टी मिस्टर बेरी की है। मैंने उसको बोला कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो बुखार हो सकता है, लेकिन वो ये लड़की एक भी किसी की सुने तब ना। बेटा तुम्हारी बात हो तो समझा देना उसको। सर हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? इंजेक्शन। मैं सोच रहा था कि हमको मैं इस केस को फिर से स्टडी करता हूं, हम इसे कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। बैठो। श्रवण मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज बाद में बात करेंगे। मुझे अभी बात करनी है, अभी बैठो। तुम इतनी डरपोक होगी मुझे पता नहीं था। बेटा आ देना प्लीज। सुमन बेटा ट्रस्ट मी बिल्कुल पेन नहीं होगा, मैं हूं ना। प्लीज प्लीज तुम हाथ धो अपना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मैं सुमो बैठ जाओ चुपचाप। मैं इंजेक्शन नहीं लगवा रही हूं। श्रवण प्लीज मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। सुमो तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, दैट्स फाइन। मैं दवाई खा तो रही हूं। अब इधर आओ, चलो आराम से, चलो बैठो आराम से बैठो, चलो प्लीज। अंकल आप डॉक्टर साहब आप लगाइए। डॉक्टर बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें कैसे पता कुछ नहीं होगा? सुमो इंजेक्शन लगवाओगे तो ठीक कैसे होगी? मुझे कुछ हो या ना हो इससे तुम्हें क्या, जैसे तुम्हें बड़ी फिक्र है ना मेरी। फिक्र नहीं होती तो यहाँ नहीं लाता तुम्हें। अंदर तक नहीं आओगे छोड़ने के लिए?
पीसीटी खुद गई थी ना, अंदर भी खुद चली जाओ। मैंने पीसीटी जाने से अब तक नाराज हूँ। मैं क्यों नाराज हूँ? तुम्हारा ऑफिस है, जाओ ना जाओ मुझे क्या। अब जाओ, मेरी मीटिंग है, लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है तो जाओ फिर। कर रहे हो ऐसे श्रवण? क्या चाहते हो? तो किस बात पर मुझसे लड़ रहे हो अब? क्यों मुझे एक बार फिर अपने आप से दूर करना चाह रहे हो? क्यों श्रवण, क्यों? पुष्कर देख, छोड़ दे यार, मैं भी खाऊंगा ना मिठाई। चीटिंग मत कर मेरे साथ पुष्कर। नानी मेरी भी है भैया। पुष्कर और आए। अरे लड़ने दो मम्मी जी, लड़ने दो। वैसे भी इस घर में इतने दिनों बाद आवाज हो रही है। आपके जाने के बाद तो इस घर का नॉइज पोल्यूशन बंद ही हो गया था। मम्मी जी वैसे वैंडी बिल्कुल सही कह रही है, आपके जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। पुत्र। मम्मी आप हर महीने चंडीगढ़ जाया करो ना। हैं? क्यों? अरे आप चंडीगढ़ जाओगे तो ऐसी मिठाई खाने को मिलेगी। और मेरे को आजादी। कुछ भी एवी। ओए होए सोनियो, आप तो नाराज हो गए। सोनियो मलाई के डोने हो, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे, मजाक कर रहा था मैं तो। हैं? चंगा हुआ वापिस आ गए, वरना वैंडी के हाथ का खाना खा खा के तो मेरे पेट का मुंह भी उतर गया है। मम्मी जी, खबरदार खबरदार, जब मेरे वैंडी पुत्र को किसने कुछ भी कहा तो। नो 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 सर चाची। अरे श्रवण पुत्र, जिंदा रहे। कैसा है मिठाई? नहीं। चंडीगढ़ तो स्पेशल लाई हूँ। नहीं चाची, दिल नहीं है। थैंक यू। क्या हुआ भैया, एवरीथिंग ओके? ओए श्रवण पुत्र, टेंशन में क्यों है? अरे लाला जी, वो सैगल का केस चल रहा है ना, आई थिंक उस वजह से। इसे क्यों हुआ? मेरे पीछे सब ठीक तो था ना? मम्मी जी मैं आपको बता, मैं ना आपको बताना भूल गई। मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है। नहीं, दिखानी है। सुमो, अब कैसी है तबीयत? मेरी तबीयत को छोड़, तुझे क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? फिर से उस दरिंदर से झगड़ा किया तूने? नीरू चाय बना मेरे लिए, तू पिएगी? नहीं। अब बोलेगी भी हुआ क्या? वो सुमो, वो नए क्लाइंट का फोन आया था। मिस्टर प्रधान का? हाँ। क्या कहा उन्होंने? खाना पसंद नहीं आया उन्हें? नहीं, उनको खाना तो बहुत पसंद आया, लेकिन लेकिन क्या? उनको लगा कि सब्जी बहुत ज्यादा लाल थी। सीधा ही पूछ लिया कि आप भी बाकी लोगों की तरह सब्जी में रंग तो नहीं डालते? बाबा जी की सौ सुनो, मेरे ना मोटापे के बारे में कोई मजाक उड़ा ले मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ना हमारे पीसीटी के खाने के बारे में कोई कुछ बोलता ना तो मेरा तो मन करता है कि मैं उसकी। तूने क्या बोला मिस्टर प्रधान को? मैंने तो कह दिया जी, मतलब ही नहीं बनता रंग डालने का, आपको चाहिए तो खुद आके चेक कर लो। वो मान तो गए हैं, लेकिन गलती ना हमारी थी। ये सारी बसूरी ना उस शिवम की है। याद है लास्ट टाइम भी उसने लाल वाली रंग की मिर्ची भेजी थी? अच्छे भले क्लाइंट के सामने बेइज्जती करा दी। मर जाऊंगा। थैंक गॉड प्रीता, मिस्टर प्रधान ने तुम्हारी बात मान ली।
वरना लंबा चौड़ा ऑर्डर हाथ से जाता आज। जो शिवम तो गया, मेरी फ्रेंडशिप का नाजायज फायदा उठाया ना उसने, सारा हिसाब बराबर करके अकाउंट बंद करती हूँ मैं आज। शिवम शिवम शिवम। बहुत हो गया तूफान नाटक, तुमने मेरी दोस्ती का जितना नाजायज फायदा उठाना था उठा चुके, लेकिन अब नहीं। आज शाम 7 बजे आ रही हूँ सारा हिसाब बराबर करने और अपना अकाउंट बंद करने। इसके बाद आज से तुम अपने रास्ते और अपने रास्ते। और हाँ, ये मैसेज पढ़ के सॉरी बोलने के लिए फोन मत करो। मैं तो कहती हूँ ना, दो चार ना माँ बहन की भी दे दे मोटी मोटी। चुप रहेगी तू, जा देख नीनू से चाय बनाएगी नहीं बनाएगी। And what I don't understand is कि सैगल को स्टे ऑर्डर मिल कैसे सकता है? I think we should oppose that. क्योंकि 1978 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ही स्टे ऑर्डर पास किया था जिसे अपोज किया गया और फिर वो कैंसिल हो गया। तुम मेरी फ्रेंडशिप का नाजायज फायदा उठा रहे हो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैं शाम तक तुम्हारे ऑफिस आती हूँ, अपना सारा हिसाब किताब बराबर करके अकाउंट क्लोज कर ले। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, मैसेज पढ़ के माफी मांगने फोन मत करना। So, sir? हाँ, वो सॉरी, क्या कह रहा था? I was saying कि हमें इस स्टे ऑर्डर को अपोज करना चाहिए। ओके देन। सो राकेश जी, आप एक काम करिए, आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, उसको मुझसे चेक करवाइए, श्रवण सर से साइन कराइए, एंड प्लीज मेक श्योर दैट इट रीचेस द जेडी ऑफिस लेटेस्ट बाय। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, अरे आप तो बेफिजूल की बातें कर रही, मैं किसी दिन जरूर चक्कर लगा लूंगा। देख शिवम, 40 किलोमीटर दूर मैं तुझसे मसाले लेने सिर्फ इसलिए आती हूँ क्योंकि तू अच्छा दोस्त है, लेकिन अब नहीं, अब तेरा सारा नाटक खत्म। एक काम का, मेरा अकाउंट क्लियर कर, किससे खत्म कर। ये बात बात नहीं सुन रहा मुझे तेरी, पहले मेरा अकाउंट क्लियर कर। दूसरा ठंडा कर। ए छोटू, एक बर्फ का गोला ला। शांत, मुझे पहले बता देती, मैं तेरे लिए लंच मंगवा लेता यार। फोन उठाता का है तू? अब तो मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करता है। वो कौन सा मैसेज भाई? अरे मसालों की कसम खा के बोल रहा हूं, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला तेरा। आप तो यही बोलेगा ना, कोई मैसेज नहीं मिला तुझे। ये देख तू, मैसेज नहीं मिला कि बच्चे कोई देख ले, कोई मैसेज नहीं। तूने मैसेज श्रवण को भेज दिया, इसका मतलब समझ रहा है कि वो कौन क्या सोच रहा है? पेड़ा गर्ग। सुमो बता, तो सही हुआ क्या? हट पड़े। मेरी बात, वो सुमो मेरी बात तो सुन। हाँ अंधा तुम ही क्या हो कर रहे हो? अंधा हो गया क्या? मैं नहीं अंधा हुआ। अंधा तो देता हूँ। तुम क्या दोगे? राकेश एक काम करो, स्टे पोस्ट करने के साथ एक नोटिस जेई को भी भेज दो। यस सर। अरे चलो ना, पहले से गुस्सा था उसे अब फोन में नहीं उठा रहा, मैसेज पढ़ के तो और भी गुस्से में आ गया होगा। पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटा लग जाएगा। वो जल्दी निकल। दैट्स अ नाइस सजेशन भैया। एक काम करते हैं कि मिस्टर सैगल के ऑफिस जाके ना उन्हें कल की हियरिंग के बारे में ब्रीफ कर देते हैं। तू आ पुष्कर, मैं नहीं चल पाऊंगा, किसी का वेट कर रहा हूँ। ओके दलाल, टेक योर लीव सर। शिव नहीं रहा, मैं पुष्कर को फोन करती हूँ।
कैसी है सुमो? तेरी हॉटनेस कम हुई या नहीं? यार श्रवण का है? अरे मैं तेरी तबीयत पूछ रहा हूँ, तू कह रही है? देख पुष्कर, वैसी दिल्ली की गर्मी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, प्लीज तू और मत कर। बताना श्रवण का है? श्रवण भैया ऑफिस में है और आई थिंक किसी का वेट कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सुमो वो तेरा वेट कर रहा है। बेटा तू तो गई आज काम से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.